हाँ तो हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन माय स्टडी लॉबी। स्टडी लॉबी में मैं आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स से संबंधित क्लास नाइन्थ क्लास टेंथ पर आधारित जो सवाल होता है, जो एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित होता है, उसको सॉल्व करते हैं। और फॉर कंपटीशन व्यू से जो होता है, जैसे एसएससी हुआ, रेलवे हुआ, एयरफोर्स वगैरह वगैरह, जितना भी कंपटीशन होता है उस पर आधारित जो है हम मैथमेटिक्स के का जो है, सबसे पहले तो बेसिक प्रोसेस बताते हैं। बेसिक प्रोसेस के साथ साथ ट्रिक्स से संबंधित सवालों को हम हल करते हैं। तो ये जो है स्टडी लॉबी जो है हमारा, ये एक तरह का चैनल है जिस पर जो है हम क्लास नाइन्थ क्लास टेंथ और फॉर कॉम्पिटिटिव व्यू से मैथमेटिक्स का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आज मैं आप लोगों को ये जो क्या कहते हैं एनसीईआरटी क्लास टेंथ का जो है ट्रिकोनोमेट्री, इसमें बताने जा रहा हूँ। और उसका चैप्टर नंबर है 8.1। तो 8.1 का चैप्टर नंबर जो है, इसका फर्स्ट वीडियो मैंने आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया है। और ट्रिकोनोमेट्री का बेसिक क्या कहते हैं जो फॉर्मूला होता है, जो कि हमें नेसेसरी है फॉर एक्सरसाइज 8.1 के लिए, वो मैंने आप लोगों को अगले वीडियो में बता दिया है। और एक सवाल भी मैंने फर्स्ट सॉल्व कर दिया है। आज मैं आप लोगों को सेकेंड सवाल से शुरू कर रहा हूँ। और जो है आप जो इसको है क्या कहते हैं, जब तक आप इसको समझिएगा नहीं तब तक आप इसे बना नहीं सकते हैं। और समझने के लिए आपको सबसे पहले फार्मूला को कंफर्म करना पड़ेगा, फार्मूला को याद करना पड़ेगा, तभी आप जो है इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। तो मैंने आप लोगों के लिए पहले फार्मूला का वीडियो बना दिया है, उसको आप अवश्य देखें। आज मैं जो बताने जा रहा हूँ ये सवाल नंबर 2 है। इसमें दिया हुआ है ये फिगर पी क्यू आर, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें Q जो है 90 डिग्री है। यहाँ ये Q है हमारा कितना, 90 डिग्री। और दिया हुआ है पी क्यू इक्वल टू 12 cm, यानी पी क्यू इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 12 cm। और पी आर इक्वल टू है हमारा 13 cm, ठीक है। लेकिन क्यू आर हमें नहीं दिया हुआ है, QR इक्वल टू हमें निकालना है। तो सबसे पहले बच्चों आप लोगों को हम अगले वीडियो में बताया है कि कौन के सामने की जो भुजा होती है वो परपेंडिकुलर होती है, यानी कि लंब होती है। तो यहाँ पर जैसे हमें मांग रहा है tan P और cot R, दोनों में देखो डिफरेंस क्या है। पहले तो P कौन दिया हुआ है, ठीक है, तो पी कौन के लिए हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा क्यू आर, फॉर पी यानी कौन पी के लिए, फॉर कौन पी के लिए हमारा हो जाएगा लंब, जिसको हम बोलते हैं पी ही बोलते हैं। तो लंब पी बराबर हो जाएगा हमारा क्यू आर, क्या हो जाएगा क्यू आर, ये हो जाएगा। और जब ये हमारा क्यू आर लंब हो गया तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आधार हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम क्यू आर को हम निकालते हैं। क्यू आर क्या है हमारा, यहाँ पर लंब है, यानी हम लिखेंगे लंब बराबर, क्या लिखेंगे, लंब बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे, आधार स्क्वायर। तो देखो बच्चों इसमें कर्ण क्या, सबसे लंबी भुजा जो होता है वो होता है कर्ण। तो यहाँ पर ये जो है समकोण के सामने की भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। तो यहाँ पर पी आर जो है वो हमारा कर्ण यानी हाइपोटेनस यानी एच है। तो कर्ण का इसका वैल्यू क्या लिखेंगे, अंडर रूट 13 स्क्वायर माइनस आधार क्या हो जाएगा हमारा, 12 स्क्वायर।
ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे, 13 स्क्वायर है तो 13 गुना 13 करेंगे, 13 से 169 माइनस 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आ जाएगा, और 169 में 144 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 9 में 4 जाएगा तो 5, इधर हमारा 2 बचेगा अंडर रूट। कहने का मतलब क्या बचा, लंब क्या हो जाएगा अंडर रूट 25, तो जिसका वर्गमूल क्या होता है 5 होता है। तो देखो बच्चों ये जो है हमारा निकल गया 5 cm, कितना निकल गया 5 cm। अब समकोण त्रिभुज की तीनों भुजा हमें ज्ञात हो गया, सबसे पहले कर्ण जो हमें पता ही है 13 cm है, और उसके बाद क्या है ये जो है QR कितना हो गया हमारा 5 cm, इसको भी हम लिख देते हैं चलो 5 cm, ठीक है। अब देखो तीनों भुजा ज्ञात हो गया, अब हमें किसका मान निकालना है, टेन पी का, तो टेन पी बराबर होता है टेन पी, सबसे पहले आपको मैं बता दूं, मैंने आपको बताया कि टेन थीटा बराबर होता, यहाँ पर लिखते हैं टेन थीटा बराबर होता है पी बटे बी, ये याद, ये फॉर्मूला है हमारा टेन थीटा बराबर पी बटे बी, तो यहाँ पर थीटा के जगह पर हमारा पी है, तो टेन पी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर देखते हैं ये पी के लिए लंब हो गया 5 cm, ये हो गया पी 5, और बी का वैल्यू क्या है हमारा 12 cm। चलो टेन पी का वैल्यू हमें ज्ञात हो गया, अब किसका मान निकालना है, कॉट आर का, तो कॉट आर बराबर हो जाएगा हमारा, कॉट आर बराबर, और इसका उल्टा हो जैसे टेन थीटा बराबर होता है पी बटे बी, और इसका उल्टा होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा बी बटे पी, कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा बी बटे पी। अब यहाँ पर ये देखना है कि कॉट आर यानी इस कोण के लिए, देखो कोण आर के लिए ये हमारा लंब हो गया और ये हमारा आधार हो गया और कर्ण हमारा वही है, तो यहाँ पर कॉट आर बराबर हो जाएगा क्या बी बटे पी, बी बटे पी, तो बी का तो मान इसके लिए ये हो जाएगा 5, और उसके बाद क्या है पी, पी का वैल्यू कितना 12। अब देखो बच्चों यहाँ पर जो है टेन पी माइनस कॉट आर इक्वल टू क्या, जब टेन पी माइनस कॉट आर तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा देखो टेन पी माइनस कॉट आर, तो इसका मतलब 5/12 माइनस 5/12, तो ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, सिर्फ जो विद्यार्थी को क्या कहते हैं नॉलेज के लिए ये दिया गया है कि जैसे टेन पी कॉट आर, जबकि दो टेन पी का वैल्यू 5/12 हुआ और कॉट आर का भी वैल्यू 5/12 हुआ, क्यों हुआ, चूँकि इसमें क्या किया है कि सिर्फ जो है पी के लिए लंब ये हो गया और आर के लिए लंब ये हो गया, जिसके कारण कि दोनों का वैल्यू सेम आ जाता है, तो फर्स्ट का उत्तर हमारा क्या निकला 0। अब देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि साइन ए इक्वल टू 3/4, और हम जानते हैं कि साइन थीटा, हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है बराबर पी बटे एच, पी बटे एच का मतलब लंब बटे कर्ण, तो यहाँ पर लंब बटे कर्ण है तो हमारा क्या नहीं है आधार नहीं, बी नहीं है, सबसे पहले हम बी निकाल लेते हैं, तो बी बराबर हो जाएगा हमारा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अंडर रूट एच का वैल्यू क्या है हमारा 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 4 × 16 माइनस 3 × 3 = 9, तो ये हो जाएगा 16 में 9 जाएगा कितना बचेगा 7 बच गया, तो अंडर रूट 7 हो गया बी का वैल्यू, चूँकि 7 का वर्गमूल नॉर्मल रूप से नहीं निकलता है। अब देखो टेन ए बराबर होता है, टेन ए बराबर होता है पी बटे बी, क्या होता है पी बटे बी, ये क्या है हमारा पी बटे एच है, तो पी का तो वैल्यू हमारा कितना हो गया 3, और एच का पी का वैल्यू 3 हो गया और बी का वैल्यू हमारा कितना निकला √7, बस यही आंसर हो गया ये क्वेश्चन नंबर 3 का।
ठीक है बच्चों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर। हाँ तो देखो बच्चों, उसके बाद आपका हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। अब देखो क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है, कह रहा है कि यदि 15 कॉट ए बराबर 8 तो साइन ए और सेक ए का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे फिगर ही बनाते हैं या ऐसे भी बना सकते हैं या फिगर बनाकर आपको समझा देते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पर आपका ए है और यहाँ पर बी है और यहाँ पर आपका सी है, ये कौन हमारा 90 डिग्री। तो ये तो हमारा ए बी सी एक समकोण त्रिभुज हो गया। तो समकोण त्रिभुज में यहाँ पर जो है ये हमारा ए सी क्या हो गया, यानी एच कर्ण हो गया, और ए के लिए ये हमारा पी हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और सी ये और उसकी ये क्या हो जाएगा, हमारा आधार हो जाएगा। कौन ए के लिए, चूंकि ए का ही चर्चा है यहाँ पर, कॉट ए साइन ए सेक ए, तो इसीलिए ए कौन को लेकर के चलते हैं, ए कौन के लिए हमारा पी हो गया, पी का मतलब ये हमारा बी सी पी हो गया, और ए बी जो है वो हमारा बी है और ए सी क्या है हमारा एच है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर जो दिया हुआ है 15 कॉट ए बराबर 8, यानी क्या लिख सकते हैं, 15 कॉट ए बराबर 8 और कॉट ए इक्वल टू क्या आ जाएगा 8/15। तो कॉट ए बराबर सूत्र क्या होता है बच्चों, तो बी बटे पी क्या होता है, पी बटे पी माने आधार बटे लंब, और क्या नहीं है हमें, कर्ण नहीं है यानी एच नहीं है। एच का वैल्यू निकालेंगे, एच बराबर क्या सूत्र होता है, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखते हैं पी का वैल्यू कितना है, 15 स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू कितना, 8 स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा, 15 स्क्वायर का मतलब 15 × 15 दो हो जाएगा 225, और प्लस 8 × 8 यानी 64। ये टोटल क्या हो जाएगा हमारा, 5, 4, 9, 6, 2, 8, 2, 2, ये हमारा हो गया 289। तो बच्चों 289 का वर्गमूल क्या होता है, आप लोगों को पता ही होगा, 289 का वर्गमूल होता है 17। तो देखो बच्चों यहाँ पर जो है एच का वैल्यू क्या निकल गया हमारा, 17, और ये जो है बी का वैल्यू कितना है, 8, यहाँ पर हम लिख देंगे 8, और पी का वैल्यू कितना है, 15, यहाँ पर हम लिख देंगे 15। बस जिसका मान निकालना है उसका फॉर्मूला लिखना है और उसके बाद वैल्यू पुट करना है। जैसे हमारा है साइन ए सेक ए, तो साइन ए इक्वल टू क्या होता है, साइन ए इक्वल टू होता है पी बटे एच। पी बटे एच का मतलब यहाँ पर आप देख लो फिगर से, पी इक्वल टू 15 है और एच इक्वल टू 17, यानी कितना हो जाएगा, 15/17, ये फर्स्ट हमारा आंसर निकल गया। अब देखो दूसरा है सेक ए, तो सेक ए बराबर क्या होता है, सेक ए बराबर होता है एच बटे बी। एच बटे बी का मतलब, एच का मतलब 17 और बी का मतलब 8, यानी 17/ क्या हो जाएगा, 17/8। ठीक है बच्चों, इस सब में कोई बहुत बड़ा क्या कहते हैं सवाल नहीं है, लेकिन जब तक आपको फॉर्मूला नहीं याद होता है तब तक जो है आप इसको बनाने में असमर्थ रहेंगे। और ऐसे मैं आपको फार्मूला आज भी लिखा दूं, मैंने लिखाया था फार्मूला फर्स्ट वीडियो में कि h बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और दूसरा b यानी p बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बी बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये तीन फार्मूला मैंने फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, ये तीन फार्मूला मैंने आप लोगों को बताया था, और जो है बताया था मैंने आप लोगों को, आप लोगों के लिए कि साइन थीटा साइन ए कॉस ए टेन ए, और उसके बाद कोसेक ए सेक ए और कॉट ए, इसका फार्मूला क्या होता है। तो चलो आज मैं आपको फिर उसको रिवीजन कर देता हूँ कि जैसे, एक मिनट,
ये हमारा जो बेसिक फार्मूला फर्स्ट ऑफ त्रिकोणमिति का जो है, ये तो तीन फार्मूला है ही किसके लिए, फॉर एक्सरसाइज 8.1 के लिए। और जो है तीन फार्मूला ये है कि हमारा है साइन ए इक्वल टू कॉस ए इक्वल टू और टेन ए इक्वल टू। तो मैंने आप लोगों को बताया था साइन, उसमें बताया था साइन थीटा, आज मैं बता रहा हूँ साइन ए। तो साइन ए इक्वल टू हो जाएगा हमारा पी बटे एच, ये हमारा हो जाएगा बी बटे एच, और ये टेन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा पी बटे बी। और इसका अल्टरनेट बच्चों आप लोग समझते ही हैं, यानी कि उल्टा, यानी इसका उल्टा क्या, साइन ए का उल्टा था कॉस का सेक ए और क्या कहते हैं टेन का कॉट ए, है ना। अब यदि ये यदि हम जानते हैं साइन ए इक्वल टू पी बटे एच होता है, तो कॉसेक ए इक्वल टू क्या हो जाएगा एच बटे पी, से कॉस ए इक्वल टू बी बाय एच, तो सेक ए क्या हो जाएगा हमारा एच बाय बी, और टेन ए इक्वल टू होता है पी बटे बी, तो कॉट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा बी बटे पी। लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा कि लंब क्या है हमारा, लंब इक्वल टू पी है, आधार क्या है, आधार इक्वल टू बी है, और कर्ण क्या है हमारा, कर्ण बराबर क्या है एच है। बस ये जो है आपको छः फार्मूला, जो तीन फार्मूला इधर और तीन फार्मूला इधर, और इसके बाद ये तीन फार्मूला, कहने का मतलब छः फार्मूला यदि आप याद रखते हैं तो आपका एक्सरसाइज 8.1 जो है पूर्णतः कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगले सवाल पर, उसको भी हल कर लेते हैं। अब देखो बच्चों, ये हमारा सवाल नंबर 5 है, इसमें दिया हुआ है कि यदि सेक थीटा इक्वल टू 13/12, तो कह रहा है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। मैंने अभी इससे पहले आप लोगों को बताया, क्या बताया कि 6 अनुपात होता है, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, सबसे पहले साइन थीटा, उसके बाद कॉस थीटा, उसके बाद टेन थीटा, उसके बाद कॉसेक थीटा, उसके बाद सेक थीटा, और लास्ट में होता है कॉट थीटा। तो यहाँ पर जो है आपको दिया हुआ है सेक थीटा इक्वल टू 13/12, ये कहने का मतलब और 5 जो है त्रिकोणमितीय अनुपात हमें ज्ञात करना है। वो कैसे ज्ञात करना है, तो मैंने आपको बताया कि सेक ए इक्वल टू, अभी मैंने आपको क्या बताया, सेक ए बराबर होता है एच बटे बी, एच बटे बी यानी किसका उल्टा है, ये हमारा कॉस ए का उल्टा है, कॉस ए बराबर होता है बी बटे एच, तो सेक ए बराबर क्या हो जाएगा हमारा एच बटे बी हो जाएगा। तो एच बटे बी का कहने का मतलब ये हमारा कितना है, सेक थीटा इक्वल टू क्या है हमारा 13/12, ये 13/12 जो है, और सेक ए से जब तुलना करते हैं तो एच का वैल्यू कितना हो जाएगा 13, और बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि एच इक्वल टू 13 और उसके बाद बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 12। तो हमें क्या नहीं दिया हुआ है, त्रिकोणमिति में हमारा क्या चाहिए, लंब कर्ण आधार, तीन चीज़ चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं हम कि H और B दिया हुआ है, तो क्या नहीं है, P नहीं है। सबसे पहले हम P निकाल लेते हैं, P इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, कहने का मतलब क्या हो जाएगा, H का वैल्यू कितना हमारा 13 का होल स्क्वायर माइनस B का मतलब 12 का होल स्क्वायर। तो बच्चों 13 × 13 कितना होता है 169, और इसके बाद 12 × 12 144, तो ये हमारा हो जाएगा 144। जब इसको हम माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 9 में 4 जाएगा तो यानी 5, और इधर हमारा 2 हो जाएगा। तो कहने का मतलब अंडर रूट 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है एच बी और पी का वैल्यू अभी हमें प्राप्त हो गया, पी इक्वल टू कितना है 5। इसके बाद कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो है अन्य 5 त्रिकोणमिति जो अनुपात है उसका फॉर्मूला लिख करके आप उसमें वैल्यू पुट कर देना है। चलो चलते हैं सेक थीटा को छोड़ करके, सबसे पहले चलते हैं साइन थीटा पर। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी बटे एच। उसके बाद चलते हैं कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर होता है बी बटे एच।
उसके बाद चलते हैं टेन थीटा, ये होता है पी बटे बी, पी बटे बी। और उसके बाद कॉट थीटा इक्वल टू होता है बी बटे पी, जस्ट इसका उल्टा होता है। और कॉस का सेक दिया हुआ बचा हमारा क्या, सेक कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है क्या एच बटे पी। एच बटे पी का करने का मतलब साइन का उल्टा होता है। बस क्या करना है इसमें हमें वैल्यू पुट कर देना पी बटे एच। अभी यहाँ से हमें देखते हैं पी और एच यानी 5/13, ये हमारा आ जाएगा 5/13। अब चलते हैं ये बी एच, बी बटे एच है तो बी का वैल्यू 12 और एच का वैल्यू 13, यानी 12/13 ये हमारा 13 हो जाएगा। ये पी बटे बी, पी बटे बी का मतलब 5/12, ये हमारा 5/ क्या हो जाएगा 12। और ये हमारा क्या है बी बटे पी 12/5 बटे 5 हो गया। उसके बाद एच बटे पी का मतलब क्या हो गया बच्चों 13/5 13/5। इस तरह से यदि हमें फार्मूला प्राप्त हो तो उस पर हम जो है तुरंत उसको सॉल्व करते हैं। इसीलिए आज मैं आप लोगों को इतना ही बताता हूँ, फिर अगले वीडियो में मैं आप लोगों के लिए इससे रिलेटेड जो भी सवाल होगा उसको बताऊँगा। आप जो है फर्स्ट वीडियो इसका आप अवश्य देखें, और जो है इस पर जो है जो भी बताते हैं वो बिल्कुल सटीक बताते हैं, ना किसी किताब से, वो जो है अपने क्या कहते हैं बेसिक तरीके से बताते हैं, जो कि आप उसको अच्छी तरह से यदि देख लेते हैं तो दोबारा आपको टीचर का ज़रूरत पड़ेगा ही नहीं। आप कम से कम देखिए तो इसको शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।